907 लिखे इस जगह पर घर बैठे मिलेगा प्यार, प्यार आपका होगा, रिश्ता आपका होगा, संबंध आपका होगा और आपके हिसाब से चलेगा। रिश्ते जब टूट जाएं, संबंध जब खराब हो जाएं, शादियां टूटने के कगार पर आ जाएं और परिवार बिखरने लग जाए तो क्या करें। दुनिया भर की चीजें करके देखी फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही, आपको सीधा और सरल सलूशन बता रहा हूं। 907 यहां लिखने से आपका पूरा जीवन ठीक हो सकता है। जानिए कहां लिखना है, किस प्रकार लिखना है और सिर्फ लिखने से कैसे सब ठीक हो सकता है। पूरा का पूरा विश्लेषण सहित प्रमाण पत्र के, जानिए पूरा विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं कि 907 लिखने से आपके अपने जीवन में बहुत बेहतरी आ सकती है। 907 ये नंबर अपने आप में बहुत चमत्कारी है। इस नंबर की अपनी एक अद्भुत श्रृंखला है। जहां 9 नंबर पूर्णांक होता है वहां 0 नंबर सहयोगी होता है, वहीं 7 नंबर आपके प्यार का होता है। एक ऐसा संयोजन है ये जिससे आपके जीवन में अनचाही व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाता है, जिससे आपके जीवन में अचानक आ रहे दुखों को, क्लेशों को नष्ट किया जाता है। जब कुंडली में ग्रह नक्षत्रों में पापक ग्रह पुण्यात्मक ग्रहों को खराब करते हैं, उन व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करते हैं, ऐसी सिचुएशन में ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। दुनिया में जब भी आपके जीवन में बहुत दुख मिलने लगे तो समझ जाना कोई बड़ा ग्रह खराब हुआ है, या तो कुछ बड़ा किया कराया तंत्र मंत्र हुआ है, क्योंकि बिना किसी अव्यवस्था के कोई भी ऐसी चीज होती नहीं है। अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चाहु मध्यो तिते नोचते संयतो पीत रही करणना साध भी चक्षुषांगे नहीं नो न किंचित करा। ये ऐसी व्यवस्था का नाम है। जीवन में ज्योतिष से बड़ा कुछ और है क्या? इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि ये भूत भविष्य वर्तमान की जड़गणना, उसकी व्यवस्था को पूरी तरह से जानने का एक साधन है। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होगा, जो हुआ है वो क्यों हुआ था, जो हो रहा है उसका कारण क्या है और जो होने वाला है उसका प्रमाण क्या है, ज्योतिष इस पर काम करती है। आप जो भी शुभ शुभ काम करते हो अपने जीवन में, उस सब चीजों में ज्योतिष है। कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता, मुहूर्त ज्योतिष बताती है। तो उसी ज्योतिषी आधार पर ये जड़गणना, ये नंबर, ये संख्या आपको बताई जा रही है। और लिखने के अंग प्रत्यंग अलग अलग होते हैं। हर अंग किसी भी किसी ग्रह को संपादित करता है, किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। सर, सर के अंदर दिमाग, दिमाग के ऊपर हेयर, फोरहेड, दोनों आइब्रोज, आंखें, नासिका, गाल, अधर, जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, हर अंग प्रत्यंग का एक ग्रह है। अगर आप पौराणिक ज्योतिष को समझते हो तो पौराणिक ज्योतिष में अंग प्रत्यंगों के आधार पर ही ज्योतिष बताई जाया करती थी। उनके आधार पर हाथों की कोई अलग गणना करने का ग्रह है, पैरों का कोई अलग है, पेट का कोई अलग है। इसीलिए तो बताया जाता है कुंडली देखकर कि इस अंग में तकलीफ आ रही होगी, इस अंग में समस्या होगी। कैसे? क्योंकि ज्योतिष में हर अंग का ग्रह अलग है। जो ग्रह खराब होता है उसका अंग बता दिया जाता है, यहां ये दिक्कत आएगी। आपकी कुंडली में एक ऑपरेशन का योग है, कौन से अंग का? ज्योतिष में वो ग्रह बताता है, तभी तो ज्योतिषी बता दिया करते हैं कि इस अंग में ऑपरेशन होने वाला है, इस अंग में ये समस्या होने वाली है, यहाँ ऐसा तकलीफ आने वाली। हर अंग प्रत्यंग रोम छिद्रों तक का गणनात्मक व्यवस्था ज्योतिष में विद्यमान है। किस अंग पर ये ज्योतिष का नंबर लिखना है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसे लिख देने मात्र से आपका प्यार आपका हो सकता है, जिसके सहयोग से आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो सकता है, जिससे आपके जीवन में खुशियां बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसा कौन सा वो नंबर है जिससे आपकी व्यवस्थाओं में पूरे चार चांद लगाए जा सकते हैं, उससे कौन सा नंबर है जिससे आपका रोना समाप्त हो जाएगा और आप खुशहाल हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति निगेटिव थिंकिंग के साथ ये उपाय करेगा सफल नहीं होगा। ये तपस्या साधना का फल है हमारे।
मैं 24 घंटे में 22 घंटे आपके लिए काम करता हूं, सिर्फ 2 घंटे सोता हूं सर्विस लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसकी कीमत क्या है। सो का जाने पीर पर आई जिन बावन में फटी बिवाई, जिसको खुद को वो बात कभी लगी नहीं उसे कैसे पता चलेगा। सीधा उपाय गौर आपको लेकर के चल रहे हैं, आपको वो नंबर बता रहे हैं, 907 लिखना है। किस स्याही से लिखना है, किस प्रकार से लिखना है वो बता रहा हूँ। आपको चाहिए होगा गाय या बकरी का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वैसे बकरी का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर माना जाता है इस उपाय के लिए। अप्राप्त नहीं है पर थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन गाय का दूध से भी काम चल सकता है। इस दूध में थोड़ा सा दूध चाहिए, बिल्कुल 2-4 चम्मच, उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी मिलानी है और इसमें आपको इलायची पीस कर डालनी है, बिल्कुल बूरा करके, ताकि उसमें मिक्स हो जाए, थोड़ा कालापन इलायची का आ जाए उसमें, रंग में आ जाए। दूसरा आपको एक काम करना है, इसमें आपको थोड़ा सा केला अपने मुंह में रख करके उसे लिक्विड बना करके थोड़ा सा हाथों से ही लेके हल्का सा स्लाइवा लेकर उसमें लगा देना है, और इस पूरी की पूरी स्याही से अपने लेफ्ट बाजू में लड़की और लड़का दोनों ही बाएं में लिखेंगे। ध्यान से समझिए, महत्वपूर्ण उपाय है, 907 लिखना है, और ये उपाय निश्चित दिन में करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा दिन गुरुवार माना जाता है। गुरु का आदेश, गुरु का आशीर्वाद लेकर गुरु के दिन में अगर आप ये उपाय करते हैं, 100% सफलता मिलती है। इस उपाय को कंटिन्यू 11-21 गुरुवार भी किया जा सकता है, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है तो करें और खुश हो जाए, मुस्कुराए, सुंदर बने, हर आधे घंटे में प्रणाम करें और बेहतर बनने की कोशिश करें। हम हर हाल में आपके साथ में है। शेर बनो, रोकर नहीं, प्लानिंग कर करके जीतने की कोशिश करो, तुम्हारी जीत में ही तुम्हारी और हमारी दोनों की जीत है। तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब तक आप अकेले थे, अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।